बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। दोस्तों मैं पर्सनली जब 1995 से इंडिपेंडेंट बिजनेसेस कर रहा हूँ, मतलब उम्र 16 साल की जब थी तभी से खुद के बिजनेसेस कर रहा हूँ। और तो उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस किए एंड जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। और ये जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहे थे और उसी में बार बार सक्सेस मिलता था लेकिन फेल्योर मिलता था, क्योंकि जैसे आप इनोवेटिव माइंडसेट के हैं उसी तरीके से नई चीज़ों के ऊपर काम करना, नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना, ये मेरी भी पहले से ही चाहत थी। और उस चाहत की वजह से कोई भी बिजनेस में शुरुआत करता था, तो शुरुआत करने के बाद में 4-5 साल तो उस बिजनेस को ग्रो होने के लिए लगते हैं, एक अच्छे लेवल पे आने के लिए लगते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती थी वो अच्छे लेवल पे आता था एंड उसके बाद में कोई फिर से अलग टेक्नोलॉजी मिलती थी, नई एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती थी, तो मैं सडनली उस बिजनेस को जीरो करता था और फिर से नया शुरुआत करता था। तो इस बात से मुझे जब 2006 के बाद में ट्रेनिंग फील्ड में काम करने का मौका मिला और उसके वो लिए मैंने बहुत सारा स्टडी करना शुरू किया, तब मेरी गलतियां मुझे समझ में आने लगी। तो सबसे पहले मुझे गलती समझ में आई कि जो हम अलग अलग फील्ड में बार बार प्रोफेशन चेंज करते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं, तो वो चेंज की वजह से, मतलब जिस तरीके से आपने अगर एक पौधा लगाया, एक पेड़ लगाया, वो पेड़ को आपने बड़ा किया और जब वो फल देने के काबिल बनता है आपने उसे काट दिया, फिर से नया बीज लगाया और फिर से नया एक पेड़ खड़ा करने की कोशिश की, तो उसमें क्या होगा कि जो फल देने वाला पौधा है वो जीरो हो जाता है। एंड अगेन बेसिक से जब शुरुआत करनी है, सेम तरीके से कोई भी बिजनेस जब बिल्ट होता है तो उसको बेसिक से शुरुआत करने के बाद में पहले 3 साल 4 साल या 5 साल आपको उसको कैपेबल बनने के लिए देने होंगे, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए देने होंगे, और जब वो फल देने लगेगा उसी के बाद में एक्चुअली प्रोग्रेस शुरू होता है, उसी के बाद में एक्चुअली पेशेंस की जरूरत होती है और उसी के बाद में एक्चुअली वो बिजनेस हमें फल देने लगता है। लेकिन बार बार चेंज करने की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत बार सक्सेस अनसक्सेस, मतलब फिर से डाउन फ्लो, फिर से सक्सेस, फिर से डाउन फ्लो। तो ये गलती समझने के बाद में फिर 2010 से सबसे पहला काम ये किया कि पहला खुद के ऊपर स्टडी किया, पूरा 1 साल दिया। उसके साथ में जब 2009 में मैं एज ए बिजनेस कोच, एज ए बिजनेस ट्रेनर में काम कर रहा था और उसी समय एक प्रोग्राम में मैं स्टेज से बता रहा था लोगों को कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे बनना चाहिए, करोड़ों रुपए कैसे कमाने चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी कि राजा तूने क्या किया है। तो ये बात मुझे बहुत कटक गई और जो अंदर की आवाज़ थी उसको मैंने सुना एंड फिर डिसाइड किया कि 2009 के बाद में कि नहीं, पहले मैं खुद ज़िंदगी में सब कुछ करूँगा और फिर से ट्रेनिंग फील्ड में आऊँगा, क्योंकि ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरशिप ये मेरा पैशन है, ट्रेनिंग्स देना ये मेरा मेन रोल है एंड यही चीज़ के लिए हमेशा मैं पैशनेट रहा हूँ और ये चीज़ में कभी मैं थकता नहीं हूँ। क्योंकि जब आप पैशनेट एक्टिविटी पे काम करते हो तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती है, जितना भी आप काम करोगे एनर्जेटिक आप बनते जाते हो। तो उसी दौरान मैंने तय किया कि अगले 10 साल मैं खुद को दूंगा, खुद के लाइफ में प्रोग्रेस करूंगा एंड देन फिर से ट्रेनिंग फील्ड में आऊंगा एंड ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा। तो एग्जैक्टली 2019 से फिर से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के ट्रेनिंग्स, अलग अलग टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड बिजनेस ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। तो 2010 का जो पीरियड था तो वो मैंने खुद अपने लिए दिया और उस पीरियड में पिछला जो लाइफ था, पिछले जो एक्सपीरियंसेस थे, वो एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड किया, उसमें से क्या क्या गलतियां हुई थी वो नोट डाउन की, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन किए एंड तब डिसाइड किया कि अभी जो भी फील्ड में काम करना है, जो भी आगे काम करना है, तो ये सिर्फ ना अपने लिए तो अगले 3 जनरेशन के लिए उस इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं है, उन्होंने भी छोड़ना नहीं चाहिए, इस तरीके का काम करना है। और उसी के लिए जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री हमें समझ में आई और जो इंडस्ट्री अगले 100 साल तक हमें सपोर्ट दे सकती है, टिकी रह सकती है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस दे सकती है, वैसी इंडस्ट्री हमें मिली एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना हमने शुरू किया।